Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing good. तो आज की क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 5. चैप्टर का नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टेक्सुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन. देखो इससे पहले तक के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा तक के सारे चैप्टर्स हम लोग काफी डिटेल के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं. प्लस बाद वाले जो चैप्टर्स आपके न्यूमेरिकल चैप्टर अर्थमेटिक मीन से लेकर इंडेक्स नंबर तक के सारे चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए. तो अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना है तो चैनल पर हो प्लेलिस्ट में जाओ. स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स की सेपरेट प्लेलिस्ट है जिसके अंदर सारे चैप्टर्स मैंने सीक्वेंस में अरेंज किए हुए हैं, आप वहां से पढ़ सकते हो. अभी हम लोग शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5. चैप्टर का नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टेक्सुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन. देखो सबसे पहले तो ये समझते हैं डेटा क्या होता है. देखो अगर हम कभी भी किसी भी फैक्ट को, किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर नंबर्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, अगर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तब हम उस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं डेटा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August 1947, तो इस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने नंबर्स का यूज करा 15th August 1947, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, डेटा. तो ये समझ में आता है डेटा क्या होता है. अभी तक हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि भाई डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे टेबल्स में अरेंज करते हैं, किस तरह से डेटा को अरेंज किया जाता है. अब बात आती है इस डेटा को कैसे प्रेजेंट करें. आपने जो डेटा कलेक्ट करा है सेंसस मेथड से हो चाहे वो सैंपल मेथड से हो, आप उस डेटा को सामने वाले को किस तरह से प्रेजेंट करते हो, तो उसे ही हम कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. कि डेटा को सामने वाले को इस तरह से प्रेजेंट करना कि डेटा दिखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, दिखने में बहुत ही ज्यादा क्लियर लगे, सामने वाला उस डेटा को देखते ही समझ जाए, उससे कंक्लूजंस निकाल ले, देखते ही वो बता दे अच्छा ये कंक्लूजन निकल रहा है, ये रिजल्ट निकल रहा है इस डेटा का, इसे बोला जाता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. क्या समझे, द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मींस एग्जिबिशन ऑफ डेटा. एग्जिबिशन ऑफ डेटा मतलब अपने डेटा को इस तरह से प्रेजेंट करना, इस तरह से सामने वाले को शो करना इन सच अ क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर कि भाई सामने वाले को वो बहुत ही ज्यादा क्लियर लगे, सामने वाले को वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, और इस तरह से प्रेजेंट करो कि भाई उसे देखते ही डेटा समझ में आ जाए, प्लस वो उस डेटा को एनालाइज भी कर सके, यानी कि वो उस डेटा से कंक्लूजंस भी निकाल सके, वो उस डेटा से मीनिंगफुल रिजल्ट्स भी निकाल सके, इसे बोला जाता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. आप लोग क्या करते हो स्कूल के अंदर, मैम आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए देती है, तो फाइल बनाते हो, फाइल के अंदर बहुत सारी चीजें लिखते हो, टेबल्स भी बनाते हो, डायग्राम भी बनाते हो, वहां आप क्या कर रहे हो, अपने डेटा को प्रेजेंट कर रहे हो. इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो कि भाई मैम को वो देखते ही समझ में भी आ जाए, मैम को वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगे, मैम उससे कुछ ना कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन भी निकाल सके और आपको उसके बेसिस पर नंबर भी दे सके. दिस इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. अब देखो डेटा को प्रेजेंट करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, बट हमें बेसिकली 3 तरीके पढ़ने हैं. हम लोग डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, तो एक होता है टेक्सुअल प्रेजेंटेशन. क्या होता है टेक्सुअल प्रेजेंटेशन, जिसे हम डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं. एक होता है टैबुलर प्रेजेंटेशन और एक होता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जिसे हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं. तो देखो इस चैप्टर के अंदर हमें 2 तरह के प्रेजेंटेशन पढ़ने हैं, वन इज टेक्सुअल प्रेजेंटेशन एंड सेकेंड इज टैबुलर प्रेजेंटेशन. डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर बार डायग्राम, पाई चार्ट वगैरह ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं टेक्सुअल प्रेजेंटेशन की. अब जरा इस स्पेलिंग को अच्छे से देखो, इस स्पेलिंग के अंदर ही टेक्स्ट टेक्स्ट लिखा है. तो भाई जब आप अपने डेटा को लिखकर प्रेजेंट करते हो, आपने पैराग्राफ लिखकर अपने डेटा को प्रेजेंट करा, आपने एक ऐसे लिख दिया पूरा का पूरा ऐसे लिखकर अपने डेटा को प्रेजेंट करा, तो जब आप अपने डेटा को लिखकर प्रेजेंट करते हो इन अ फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, इन अ फॉर्म ऑफ ऐसे, न्यूज़पेपर रीड करते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर लाइंस पे लाइंस, लाइंस पे लाइंस लिखी हुई आती है, वो क्या है, टेक्सुअल प्रेजेंटेशन है. आपने व्हाट्सएप के थ्रू एक्सप्रेस करा, वहां पर आप क्या लिख रहे हो, टेक्स्ट लिख रहे हो. तो जब भी हम हमारे डेटा को लिखकर प्रेजेंट करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ ऐसे, इन अ फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, उसे बोला जाता है टेक्सुअल प्रेजेंटेशन. व्हेन डेटा आर अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ स्टडी और अ पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन, जब आपका डेटा किसी टेक्स्ट का पार्ट है, किसी ऐसे, किसी पैराग्राफ का पार्ट है, किसी बड़े सारे डिस्क्रिप्शन का पार्ट है, तब उस प्रेजेंटेशन को बोला जाता है टेक्सुअल प्रेजेंटेशन या फिर कह लो डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपको डेटा कलेक्ट करना है इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल के ऊपर, तो आपने डेटा कलेक्ट करा, इस डेटा के अंदर आएगा कि भाई हमारी पॉपुलेशन कितनी है, बर्थ रेट कितनी है, डेथ रेट कितनी है, लिटरेसी रेट क्या है, कंट्री के अंदर कितना
अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आप इस पूरे डाटा को लिख रहे हो कि भाई हमारी पॉपुलेशन इतनी है, ये बर्थ रेट है, ये डेथ रेट है, ये लिटरेसी रेट है, इतना हमारी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है। आपने मुझे बड़ा सा 2-3 पन्नों का ऐसे लिखकर दे दिया। दिस प्रेजेंटेशन इज नोन एज टेक्सुअल प्रेजेंटेशन या फिर कह लो डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन। बट यार इस मैथड के बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, इस मैथड की बहुत सारी कमियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूटेबल कब है ये मैथड, खुद सोच के देखो ये मैथड कब सूटेबल होगा। तो टेक्सुअल प्रेजेंटेशन इज सूटेबल व्हेन द क्वांटम ऑफ डेटा इज नॉट वेरी लार्ज। जब आपके डेटा की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है, डेटा की क्वांटिटी कम है, तब ये मेथड सूटेबल है। थोड़ा सा ही डेटा था तो ठीक है, आपने एक दो पैराग्राफ लिख दिए, एक पेज लिख दिया, समझ में आता है। बहुत सारा डेटा है आपके पास में तो यार 10-15 पेज लिखने बैठोगे तो ना खुद को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, ना सामने वाले को इंटरेस्ट आएगा, बहुत ही ज्यादा बोरिंग मैथड हो जाएगा। तो ये टेक्सुअल प्रेजेंटेशन तब सूटेबल है जब क्वांटम ऑफ डेटा यानी कि क्वांटिटी ऑफ डेटा क्या है, बहुत कम है, ज्यादा नहीं है। अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डेटा एज अ पार्ट ऑफ स्टडी गिव्स यूजफुल सपोर्टिव एविडेंस। अच्छा ये मेथड कब सूटेबल है, ये आपने टेक्स्ट फॉर्म में मुझे एक डेटा को प्रेजेंट करा। अब यहाँ पर डेटा आता है ये बर्थ रेट है, ये डेथ रेट है, मैम ये लिटरेसी रेट है, ये अनएम्प्लॉयमेंट है हमारी कंट्री में इतना। अब इस डेटा के साथ में आपने कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन भी लिखी है जो एक एविडेंस का काम करती है, एक सबूत का काम करती है, कुछ एक्स्ट्रा रिलेवेंट चीजें भी लिखी है। तो जब आपकी स्टडी कुछ ऐसी है कि एक्स्ट्रा आपको सपोर्टिव एविडेंस सबूत की भी जरूरत है तो ये मेथड सूटेबल है। यहां पर आप एक्स्ट्रा चीजें भी लिख सकते हो अपने मन से। इट इज सूटेबल व्हेन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिक्वायर स्पेशल एम्फेसिस। अच्छा ये टेक्सुअल प्रेजेंटेशन तभी भी सूटेबल है जब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें स्पेशल एम्फेसिस देनी है, स्पेशल इंपॉर्टेंस देनी है। फॉर एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट चीजें आई उन्हें हम लोगों ने बोल्ड लेटर्स में लिख दिया, ज्यादा हाईलाइट करके लिख दिया। तो टेक्सुअल मेथड के अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्पेशल एम्फेसिस दे सकते हैं, उन्हें हाईलाइट करके लिख सकते हैं, बोल्ड लेटर्स में लिख सकते हैं। तो इन सब केसेस के अंदर टेक्सुअल प्रेजेंटेशन हमारा सूटेबल है। बट इस मेथड के बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स मतलब कमियां, और कमियों को ही हम लोग बोलते हैं लिमिटेशंस। तो टेक्सुअल प्रेजेंटेशन के बहुत सारे लिमिटेशंस है, बहुत सारी कमियां हैं। वन हैज टू गो थ्रू द एंटायर टेक्स्ट टू नो द फैक्ट्स। भाई आपने मुझे एक पेज का ऐसे लिख कर दिया और इस ऐसे के अंदर मेन बातें आ रही है कि ये बर्थ रेट है, ये डेथ रेट है, ये लिटरेसी रेट है, इतना हमारी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है। अब इस डेटा को चेक करने के लिए, इन फैक्ट्स को जानने के लिए मुझे पूरे के पूरे एंटायर टेक्स्ट को रीड करना पड़ेगा जो कि बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो एक पर्सन को पूरे टेक्स्ट को रीड करना पड़ता है अगर उसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानना है, तो ये मेथड थोड़ा सा क्या हो जाता है, बोरिंग भी हो जाता है और थोड़ा सा ये मेथड टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। This method is ineffective when the quantity of data is too large. Again, जब बहुत सारा data है, बहुत सारे data को आपको present करना है, आपने 10-15 पेज का मुझे paragraph लिखकर दे दिया, ऐसे लिखकर दे दिया, तो in that case ये method बहुत ही ज्यादा ineffective हो जाता है, क्योंकि सामने वाला भी पढ़ने में interest नहीं लेगा। Newspaper कितना पढ़ते हैं हम लोग, सिर्फ headings ही देखते हैं ना, अंदर तक का तो पूरा नहीं देखते, सिर्फ हमारे काम काम की चीजें देखते हैं। तो ये method बहुत ही ज्यादा ineffective हो जाता है जब quantity of data बहुत ज्यादा large है, बहुत ही ज्यादा boring हो जाता है। It becomes very difficult for a reader to draw conclusions in a glance. बेटा in a glance का मतलब होता है एक बार देखते ही। इस method के अंदर अगर आपने अपने data को paragraph ऐसे के through present करा है, textually present करा है, तो सामने वाला जो reader है वो देखते ही आपके data से conclusions नहीं निकाल सकता। उसकी बजाय सपोज आप अपने डेटा को बार ग्राफ बना के प्रेजेंट करते, आप अपने डेटा को पाई चार्ट बना के प्रेजेंट करते, तो सामने वाला देखते ही कंक्लूजन निकाल सकता है एक नजर के अंदर, अच्छा भाई ये रिजल्ट निकल रहा है इस डेटा से। बट जब आपने अपने डेटा को टेक्स्ट के थ्रू एक्सप्रेस करा है, बहुत सारे वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करा है, सामने वाला इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा और वो आपके टेक्स्ट को देखते ही कंक्लूजन्स भी नहीं निकाल सकता। This method is very ineffective when the study is vast. Again, जब study बहुत vast है, बहुत सारा जब data है, जब आपको बहुत सारे comparisons करने हैं, data भी बहुत ज़्यादा complicated है, in that case ये method बहुत ही ज़्यादा ineffective है, क्योंकि सामने वाला इतना सारा data पढ़ने में interest नहीं लेगा। तो ये हम लोगों ने कर लिया हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, दैट इज टेक्सुअल प्रेजेंटेशन। कुल मिला के क्या पढ़ा इसके अंदर हम लोगों ने, जब भी हम हमारे डेटा को टेक्स्ट की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, बहुत सारा लिखकर प्रेजेंट करते हैं, टेबल्स का यूज नहीं करते, डायग्राम्स का यूज नहीं करते, इस तरह के प्रेजेंटेशन को बोलते हैं टेक्सुअल प्रेजेंटेशन। ज्यादातर ये सिर्फ तभी सूटेबल है जब आपके डेटा की क्वांटिटी कम हो। डेटा की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो टेक्सुअल प्रेजेंटेशन सूटेबल नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, बोरिंग हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा।
सेकेंड आ जाओ भाई, टैबुलर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताती जाऊंगी। टैबुलर प्रेजेंटेशन एक बार ऐसे ही समझा देती हूँ, आपने अपने डेटा को टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करा, पढ़ते हैं ना स्टैटिस्टिक्स के अंदर अपन लोग कितनी सारी टेबल, आपने अपने डेटा को टेबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट करा, यहाँ पर आपने ये एक टेबल बनाई, टेबल के अंदर आपने अपने डेटा को प्रेजेंट करा, तो इस तरह के प्रेजेंटेशन को बोला जाता है टैब्यूलर प्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं? टैब्यूलर प्रेजेंटेशन। अच्छा एक चीज और बता देती हूँ यहाँ पर, देखो ये जो स्ट्रेट लाइंस होती है, ये जो है जो वर्टिकल लाइंस है, ये क्या है? कॉलम्स है। दिस इज कॉलम वन, दिस इज कॉलम टू एंड दिस इज कॉलम थ्री, और ये जो लेटी हुई है जो हॉरिजॉन्टल है, इन्हें बोला जाता है रोज। तो ये रो है, ये रो टू है, ये रो थ्री है। तो समझ में आया, ये तो होते हैं कॉलम्स और ये लेटी हुई होती है हमारी रोज, और इनके मिलने से बन जाती है एक टेबल। तो जब हम हमारे डेटा को टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, उसे बोला जाता है टैब्यूलर प्रेजेंटेशन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं टैब्यूलेशन। क्या कहते हैं? टैब्यूलेशन। तो टैब्यूलर प्रेजेंटेशन रेफर्स टू द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जब डेटा को रोज और कॉलम्स की फॉर्म में प्रेजेंट करा जाता है, ये रोज है और ये कॉलम्स हैं, तो उस प्रेजेंटेशन को बोलते हैं टैब्यूलर प्रेजेंटेशन, और इस मेथड को बोला जाता है टैब्यूलेशन। एक राइटर की डेफिनेशन और प्रिपेयर करते हैं। टैब्यूलेशन इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन कॉलम्स एंड रोज। अगेन वही बात है, अगर ब्रॉड सेंस में बात करें तो टैब्यूलेशन का मतलब है बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत ही ऑर्डरली तरीके से अपने डेटा को कॉलम्स और रोज में प्रेजेंट करना, इसे बोला जाता है टैब्यूलर प्रेजेंटेशन। तो समझ में आ गया, जो बहुत सारा लिखकर डेटा को प्रेजेंट करते हैं पैराग्राफ्स, एसेज के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, दैट इज टेक्स्चुअल प्रेजेंटेशन। जब टेबल बना के इन अ फॉर्म ऑफ कॉलम्स एंड रोज हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं, उसे बोला जाता है टैबुलर प्रेजेंटेशन। अब आती है इंपॉर्टेंट बात, कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल। एक टेबल के क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि एक टेबल के क्या-क्या पार्ट्स होते हैं, एक टेबल के अंदर क्या-क्या चीजें होती है। तो सबसे पहला होता है टेबल नंबर। देखो हर टेबल का एक नंबर होता है, मैं आपको साथ-साथ में दिखाती जाती हूं। ये मैंने एक टेबल बनाई है, इस टेबल के ऊपर मैंने लिखा टेबल 1। तो हर टेबल का एक नंबर होता है, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 5। तो हर टेबल का क्या होता है, एक नंबर होता है। डिफरेंट टेबल्स मस्ट हैव डिफरेंट नंबर्स, हर टेबल का अलग अलग नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टेबल नंबर 1, 2, 3, 4। तो पहली चीज क्लियर हो गई। उसके बाद में आता है उस टेबल का टाइटल। अ टेबल मस्ट हैव अ सूटेबल टाइटल। किसी भी टेबल का एक सूटेबल टाइटल होना चाहिए, जो टाइटल है वो बोल्ड लेटर्स के अंदर होना चाहिए कि भाई देखते ही समझ में आ जाए। और एक अच्छा टाइटल कैसे होता है, जो शॉर्ट हो बट शॉर्ट होके भी अपने आप में कंप्लीट हो, छोटा हो बट छोटा होके भी वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दे कि भाई टेबल के अंदर क्या बातें हैं। तो यहां पर हम लोगों ने लिखा है प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन, ये क्या है, इस टेबल का टाइटल है। तो दो चीजें समझ में आई, फर्स्ट इज टेबल नंबर एंड सेकंड इज टाइटल। थर्ड बात आ जाती है हेड नोट। अच्छा अब ये हेड नोट क्या होता है? इफ अ टाइटल ऑफ द टेबल डज नॉट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इट इज सप्लीमेंटेड विद हेड नोट। हेड नोट कंप्लीट्स द इंफॉर्मेशन इन द टाइटल ऑफ द टेबल। देखो अगर हमें लग रहा है हमारी टेबल का जो टाइटल है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा, अगर हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन टाइटल में लिख रहे हैं तो टाइटल बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, उसे बोला जाता है हेड नोट। यहां पर टाइटल था प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया, बट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हम लोगों ने इन 2020-21 की, ये बात हो रही है 2020-21 की, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है इसे बोला जाता है हेड नोट। समझ में आ गया? अगर लग रहा है टाइटल कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा, अगर टाइटल में और इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो टाइटल बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख दो आप किसके अंदर, हेड नोट के अंदर, इसे बोलते हैं हेड नोट। फिर बात आती है स्टब्स की। अब स्टब्स क्या होते हैं? स्टब्स आर टाइटल्स ऑफ द रोज ऑफ अ टेबल, इट इंडिकेट्स इंफॉर्मेशन इन रोज ऑफ अ टेबल। देखो अभी मैंने बताया था रोज और कॉलम से मिलके क्या बनती है, टेबल बनती है। तो देखो ये क्या है, ये एक कॉलम है, ये क्या है सेकंड कॉलम है, ये क्या है थर्ड कॉलम है, तो तीन कॉलम्स है यहां पर। वही अगर हम रोज की बात करें तो ये एक रो है, ये एक रो है, ये एक रो है, ये एक रो है। जो वर्टिकल है स्ट्रेट खड़े हुए हैं वो कॉलम्स होते हैं, जो लेटे हुए हैं यानी कि हॉरिजॉन्टल हैं उन्हें हम रोज कहते हैं। तो देखो रोज की जो हेडिंग्स होती हैं उन्हें बोला जाता है स्टब्स। ये जो हमारी रो है इस रो की हेडिंग क्या है, राइस। सेकेंड हमारी जो रो है इसकी हेडिंग है वीट की, इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो वीट से रिलेटेड है।
थर्ड जो हमारी हेडिंग है वो है कौन, कि इस रो के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कौन से रिलेटेड है, इस रो के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अदर्स से रिलेटेड है। तो जो रोज की हेडिंग्स होती हैं उन्हें बोला जाता है स्टब्स। स्टब्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टब्स हमें बताते हैं कि रोज के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, जो पर्टिकुलर रो है ये किससे रिलेटेड है। तो स्टब समझ में आया। अब जिस तरह से स्टब्स होते हैं रोज की जो हेडिंग्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टब्स कहते हैं। सेम ऐसे ही जो कॉलम्स की हेडिंग होती है उसे बोला जाता है कैप्शन। कैप्शन इज द टाइटल ऑफ द कॉलम ऑफ अ टेबल। आपकी टेबल के अंदर जो कॉलम्स हैं उन कॉलम्स की हेडिंग, उन कॉलम्स के टाइटल को बोला जाता है कैप्शन। ये हमें बताता है कि कॉलम्स के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल ये जो फर्स्ट कॉलम है इसकी हेडिंग क्या है, फूड ग्रेन। सेकेंड कॉलम की हेडिंग है टोटल क्वांटिटी। थर्ड कॉलम की हेडिंग है परसेंटेज। तो ये क्या है हमारा कैप्शन, ये हमारा कैप्शन है, ये हमारा कैप्शन है, ये हमारा कैप्शन है। समझ में आ रही है बातें। आगे बढ़ते हैं, आगे बात आती है बॉडी और फील्ड। क्या बॉडी और फील्ड, बॉडी ऑफ अ टेबल मीन सम टोटल ऑफ आइटम्स इन द टेबल। भाई सबसे मेन चीज आपकी टेबल के अंदर जितने भी आइटम्स, आपकी टेबल के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन्हीं सब चीजों को बोला जाता है, या तो बोल दो बॉडी या फिर बोल दो फील्ड। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ टेबल। ऑब्वियसली बात है आपकी टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसी चीज के लिए आप टेबल बना रहे हो। तो आपकी टेबल के अंदर ये जितनी भी चीजें हैं ये सब कुछ क्या है, आपकी बॉडी है, और इसे हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। प्लस एक चीज और बताती हूं, ये जो इंडिविजुअल यूनिट्स है, ये जो इंडिविजुअल यूनिट है राइस, ये इंडिविजुअल यूनिट है, ये इंडिविजुअल यूनिट है, ये इंडिविजुअल यूनिट है, जब कॉलम्स और रोज आपस में इंटरसेक्ट करती है, ये कॉलम्स है, ये रोज है, ये जब आपस में इंटरसेक्ट करती है तो ये जो पर्टिकुलर एक एक यूनिट बनती है इस इंडिविजुअल यूनिट को बोला जाता है सेल। क्या कहते हैं इंडिविजुअल यूनिट को, सेल। और ये सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, बॉडी। तो ईच आइटम इन द बॉडी इज कॉल्ड सेल। बॉडी के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उन सारे आइटम्स को इंडिविजुअली हम लोग बोलते हैं सेल। फिर बात आती है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। देखो कभी भी अगर आप कोई टेबल पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल सेल्स गिवन है तो ऊपर लिखा हुआ होता है ना सेल्स इन लैक, सेल्स इन करोड़, सेल्स इन थाउजेंड्स। इसी तरह से जो भी यूनिट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर लिखा है केजी में है, ग्राम्स के अंदर है, लीटर्स के अंदर है, रुपीज के अंदर है, लैक के अंदर है, करोड़ के अंदर है, तो जो भी हमारा डेटा है उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट जरूर गिवन होनी चाहिए टेबल के अंदर। द यूनिट यूज्ड फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट के लिए हम लोग जो भी यूनिट यूज कर रहे हैं वो भी ऊपर मेंशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सेल्स लिखा है तो ब्रैकेट में लिखा होना चाहिए कि भाई लैक्स में है, करोड़ में है। पॉपुलेशन लिखी है तो ब्रैकेट में होना चाहिए भाई पॉपुलेशन लैक्स में है, करोड़ के अंदर है। फॉर एग्जांपल यहां पर हम लोगों ने टोटल क्वांटिटी लिखी है तो यहां पर मैंने लिखा इन लैक टर्न्स। यहां पर मैंने ये भी लिखा है कि परसेंटेज में हम लोगों ने दे रखा है तो मैंने मेंशन करा है भाई लैक टर्न्स के अंदर है, परसेंटेज के अंदर है। तो जो भी हमारी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो भी टेबल में गिवन होनी चाहिए। फिर बात करते हैं फुटनोट्स। तो देखो फुटनोट्स देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये टेबल के एंड में होगा। फुट, फुट मतलब नीचे, तो ये एंड में होगा। फुटनोट्स आर गिवन एट द एंड ऑफ अ टेबल, ये टेबल के एंड में होते हैं फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ द रीडर। कई बार कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो रीडर को क्लियर नहीं होती, तो रीडर की क्लैरिफिकेशन के लिए हम लोग नीचे फुटनोट्स लिखते हैं। लेट मी शो यू, यहां पर मैंने अदर्स लिखा तो अदर्स के आगे मैंने ये साइन बना दिए, स्टार बना दिए, इसे बोलते हैं एस्टरिस्क मार्क। तो मैंने फुटनोट के अंदर लिखा कि भाई अदर्स के अंदर रिमेनिंग फूड ग्रेन्स आ जाते हैं, हमारे बाकी के फूड ग्रेन्स आ जाते हैं। तो रीडर की क्लैरिटी के लिए, सामने वाले के समझ के लिए जब हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसे लिखते हैं टेबल के नीचे उसे बोला जाता है फुटनोट। और उसके बाद में आता है लास्ट हमारा सोर्स। सोर्स मतलब ये टेबल हमने कहां से देखकर बनाई है। देखो अगर डेटा आपने खुद ने कलेक्ट करा फिर आपने खुद ने ही टेबल बनाई तो वहां पर तो सोर्स की कोई जरूरत ही नहीं है। बट ऐसा डेटा जो ऑलरेडी कलेक्टेड है, पहले से वो डेटा कलेक्टेड है, ऐसे डेटा को बोलते हैं सेकेंडरी डेटा, जो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट कर रखा है, हमने वहां से देखकर वो टेबल बनाई। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर एक टेबल आई, वहां से देखकर हम लोगों ने वो टेबल बना दी। तो सोर्स में हम लोग लिखेंगे भाई ये डेटा हम लोगों ने हिंदुस्तान टाइम्स में से देखकर बनाया है। तो व्हेन टेबल्स आर बेस्ड ऑन सेकेंडरी डेटा, जब टेबल्स ऐसे डेटा पर बेस्ड है जो ऑलरेडी कलेक्टेड है, किसी और ने कलेक्ट कर रखा था, तो हमें सोर्स लिखना है भाई कहां से देखकर हम लोगों ने ये टेबल बनाई है। इसके अंदर पब्लिकेशन का नाम आता है, पब्लिशर का नाम आता है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन
क्वेश्चन आता है, बताते हैं हम लोग जहां से भी हमने देखकर बनाई वो पेज नंबर कौन सा आता है, रेफरेंस देते हैं जहां से भी देखकर हम लोगों ने टेबल बनाई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा कि ये जो टेबल है वो हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे को देखकर बनाई, 2020-21 का जो इकोनॉमिक सर्वे था वहां से हम लोगों ने टेबल उठाई। सो दिस इज द सोर्स ऑफ द टेबल। तो ये क्या है, 9 कॉम्पोनेंट्स है हमारी टेबल के, याद रहेंगे, टेबल का नंबर, टेबल का टाइटल, हेड नोट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है टाइटल के बारे में, रोज की हेडिंग्स को बोला जाता है स्टब, सेम ऐसे ही कॉलम्स की हेडिंग को बोलते हैं कैप्शन, सी फॉर कॉलम, सी फॉर कैप्शन याद रह जाएगा, बॉडी ऑफ फील्ड मेन पार्ट है हमारी टेबल का, ईच इंडिविजुअल यूनिट को सेल बोला जाता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट का होना जरूरी है, फुट नोट जो होते हैं वो रीडर के क्लैरिफिकेशन के लिए होते हैं, टेबल के नीचे बनाए जाते हैं, और अगर हमारी टेबल सेकेंडरी डेटा पर बेस्ड है तो उसके लिए सोर्स का होना भी जरूरी है। सो दिस इज वन एग्जाम्पल। अब आगे आ जाओ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गाइडलाइंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेबल, कि अगर आपको एक अच्छी टेबल बनानी है तो उसके लिए आपको किन किन गाइडलाइंस को ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गुड टेबल, या फिर ऐसे भी आ सकता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल, एक अच्छी टेबल के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो फर्स्ट इज कंपैटिबल टाइटल, भाई अभी पीछे भी देखा था, टाइटल जो है वो कंपैटिबल होना चाहिए। कंपैटिबल का मतलब है टाइटल देखते ही सामने वाले को समझ में आ जाए या टेबल के अंदर क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल टाइटल के अंदर मैंने लिखा प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया, तो देखते ही समझ में आ रहा है यार इस टेबल के अंदर फूड ग्रेन्स की बात की गई है। तो जो टाइटल होता है वो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसको देखते ही समझ में आ जाए कि भाई हमारी स्टडी का पर्पस क्या है, हमारी टेबल क्या शो कर रही है। सेकंड इज कंपैरिजन। देखो टेबल के अंदर कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिन्हें आपस में कंपेयर करना होता है, फॉर एग्जाम्पल डेथ रेट और बर्थ रेट, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो ऐसे आइटम्स जिन्हें कंपेयर करना है उन्हें आप पास पास वाले कॉलम्स और रोज में रखो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी टेबल है, तो ऐसे आइटम्स जिन्हें हमें कंपेयर करना है उन्हें हम पास वाले कॉलम्स में रखेंगे, एक को इसमें रखा और एक को इसमें रखा, या फिर पास वाली रोज के अंदर रखेंगे। तो आइटम्स विच आर टू बी कंपेयर, जिन आइटम्स को हमें कंपेयर करना है उन्हें एक दूसरे के पास पास वाले कॉलम्स और रोज के अंदर रख दो। सेवंथ इज स्पेशल इम्फेसिस। भाई कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन्हें स्पेशल इम्फेसिस की जरूरत होती है, स्पेशल इंपॉर्टेंस की जरूरत होती है। तो बेटर है आप उन आइटम्स को या तो बिल्कुल ही लेफ्ट वाले कॉलम्स के अंदर रखो, लेफ्ट मतलब ये अगर हमारी टेबल है तो बिल्कुल लेफ्ट वाला कॉलम, एक ये हो गया बिल्कुल लेफ्ट वाले कॉलम्स में रखो, या फिर बिल्कुल टॉप वाली रोज के अंदर रखो। तो वो आइटम्स जिनको स्पेशल इंपॉर्टेंस की जरूरत है या तो उन्हें आप टॉप रोज के अंदर रखो या फिर आप लेफ्ट वाले कॉलम्स के अंदर रखो। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू, यहां पर राइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और वीट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो राइस को हम लोगों ने फर्स्ट रो में रखा और वीट को हम लोगों ने सेकंड रो में रखा। अदर्स को तो हम लोगों ने फर्स्ट रो में नहीं रखा ना, क्योंकि अदर्स के अंदर तो बची कुची आती है, बेसिकली इंडिया के अंदर लोग राइस और वीट ही खाते हैं, तो उसको हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड रो के अंदर रखा। फोर्थ इज आइडियल साइज, या टेबल का साइज एकदम आइडियल होना चाहिए, ना तो टेबल बहुत ज्यादा बड़ी होनी चाहिए ना तो बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए। मतलब पता लगा डेटा तो थोड़ा सा, आपने टेबल बहुत बड़ी बना दी, या फिर आपने टेबल छोटी सी बनाई है, डेटा बहुत ज्यादा है, सब कुछ घिचपिच सा हो गया, मजा ही नहीं आया। तो टेबल का साइज आइडियल होना चाहिए, इसके लिए बेटर है आप पहले रफ ड्राफ्ट बना लो, रफ के अंदर टेबल बना के देख लो, आपको पता चल जाएगा कितने रोज कॉलम्स बनाने, कितनी कितनी स्पेस रखनी है। स्टब्स से क्या समझते हैं, स्टब्स क्या होती है, हमारी रोज की हेडिंग्स होती है, ये जो हमारी रोज होती है इनकी हेडिंग्स को हम क्या कहते हैं, स्टब्स। अब अगर आपकी टेबल बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी टेबल है और आपकी टेबल के अंदर बहुत सारे कॉलम्स हैं, तो जो हम स्टब्स लिख रहे हैं यानी कि रोज की हेडिंग लिख रहे हैं उन्हें लेफ्ट साइड तो हम लोग बेसिकली लिखते ही हैं, उन्हें बेटर है आप राइट साइड में भी लिख दो, दोनों तरफ लिख दो कि पढ़ने वाले को आसानी होगी, इधर की चीजों के लिए वो इधर की हेडिंग देख लेगा, इधर की चीजों के लिए इधर से हेडिंग देख लेगा। तो अगर आपको लगता है आपकी टेबल बहुत ज्यादा बड़ी है, टेबल के अंदर बहुत ज्यादा कॉलम्स है, तो जो स्टब्स हैं यानी कि रोज की हेडिंग्स हैं उन्हें लेफ्ट साइड में भी लिखो और राइट साइड में भी लिखो। सिक्स्थ इज यूज ऑफ जीरो, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग ये गलती करते हैं। देखो जीरो जो होता है वो क्वांटिटी इंडिकेट करता है कि ये चीज है ही जीरो, जीरो क्या करता है क्वांटिटी बताता है कि ये चीज है ही जीरो। बट अगर कभी कोई चीज अवेलेबल नहीं होती तो उसकी जगह भी हम लोग क्या कर देते हैं, डैश कर देते हैं। भाई डैश तो ये बताता है कि ये चीज अवेलेबल ही नहीं है, नॉन अवेलेबिलिटी शो करता है, बट जीरो क्वांटिटी बताता है। तो जीरो शुड बी यूज टू इंडिकेट क्वांटिटी ओनली, जीरो का जो यूज है वो सिर्फ क्वांटिटी के लिए होता है कि ये चीज है ही जीरो। अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पर आपको जीरो नहीं लिखना यार, उसकी जगह हाइफिन का साइन होता है, छोटा सा डैश का साइन होता है।
है, ये भी ध्यान रखना होता है। फिर बात करते हैं हेडिंग्स की। हेडिंग्स जो होती है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। अच्छा, सिंगुलर फॉर्म में कैसे होनी चाहिए? तो फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने टेबल बनाई और ये जो टेबल है ये गुड्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? गुड्स से रिलेटेड। तो बेटा हेडिंग जो है वो गुड होनी चाहिए, इसकी हेडिंग गुड होनी चाहिए, इसकी हेडिंग गुड्स नहीं होनी चाहिए। हमेशा हेडिंग को सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते। इट इज एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस तो जानते हो, शॉर्ट फॉर्म्स, तो यूज ऑफ एब्रीविएशन शुड बी अवॉइडेड। बेसिकली टेबल के अंदर एब्रीविएशंस का यूज कम से कम होना चाहिए। अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो, बट अगर आप एब्रीविएशंस का यूज कर रहे हो तो आप फुटनोट के अंदर मेंशन कर सकते हो, भाई पीएम का मतलब है प्राइम मिनिस्टर, तो आप वहां पर लिख सकते हो कि शॉर्ट फॉर्म्स का मतलब ये है। उसके बाद में बात करते हैं फुटनोट की। अगर जरूरत है तो भाई फुटनोट भी होना चाहिए और ये एस्टरिस्क मार्क होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर अदर्स के आगे एस्टरिस्क मार्क है, छोटा सा स्टार बना हुआ है, और फुटनोट में भी एस्टरिस्क मार्क है। तो फुटनोट अगर आपने दिया है तो वहां पर एस्टरिस्क मार्क बना दो। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होनी चाहिए, लैक्स में है, करोड़ में है, जो भी चीजें हैं, केजी है, ग्राम्स है, लीटर्स है। टोटल होना चाहिए, हर आइटम का आप टोटल करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टेबल के अंदर देखो, यहाँ पर टोटल में टेबल में मैंने टोटल क्वांटिटी का भी टोटल करा है, परसेंटेज का भी टोटल करा है, तो सब टोटल भी होना चाहिए। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो टेबल में आप साथ साथ में परसेंटेज भी निकाल के दिखाओ और रेशियो भी निकाल के दिखाओ। जैसे पीछे वाली टेबल में मैंने परसेंटेज निकाली है, तो अगर पॉसिबल है तो वहां पर परसेंटेज और रेशियोज भी आप दिखाओ। अगर पॉसिबल नहीं है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। 13th इज एक्सटेंट ऑफ अप्रोक्सीमेट। कई बार ऐसा होता है हम डेटा को अप्रोक्स लिखते हैं और ब्रैकेट के आगे लिख देते हैं भाई अप्रोक्स है, बट कितना अप्रोक्स है ये तो हमें समझ में नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल अगर 9.7 सेंटीमीटर आया तो इसे हम लोगों ने 10 सेंटीमीटर लिख दिया, तो ऊपर मेंशन होना चाहिए कि भाई हमने कितना अप्रोक्स करा है, कि भाई उसको नेक्स्ट सेंटीमीटर में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। तो एक्सटेंट ऑफ अप्रोक्सीमेशन की हम कितना अप्रोक्स लेकर चल रहे हैं वो भी टेबल के अंदर गिवन होना चाहिए, ताकि सामने वाले को देखते ही समझ में आ जाए। 14th सोर्स ऑफ डेटा। अगर आपका डेटा जो है, आपने जो टेबल बनाई है वो सेकेंडरी डेटा पर बेस्ड है, जैसा कि मैंने पीछे बताया आपने कहीं से देखकर टेबल बनाई है, तो आप सोर्स ऑफ डेटा में लिखो कि टेबल आपने कहां से देखकर बनाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस न्यूज़पेपर से आपने देखकर बनाई है, सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया से देखकर बनाई है तो वो लिखो, इकोनॉमिक सर्वे से देखकर बनाई है वो लिखो, किसी मैगजीन से देखकर आपने टेबल बनाई है तो उस मैगजीन का नाम लिखो, उस मैगजीन का पेज नंबर लिखो जहां से आपने वो टेबल लिखी है, कि अगर सामने वाला चाहे तो वो वेरीफाई भी कर सके। साइज ऑफ कॉलम्स, भाई जो कॉलम्स का साइज है वो सबका सेम होना चाहिए। सेम का मतलब है कि ये आपकी टेबल है, आपने ये कॉलम तो इतना बड़ा बना दिया, ये कॉलम छोटे छोटे बना दिए, फिर एक बड़ा सा कॉलम बना दिया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए घिचपिन, सारे कॉलम्स का साइज सेम होना चाहिए। रूलिंग ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स शुड बी डिवाइडेड इन टू डिफरेंट सेक्शंस अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज ऑफ द डेटा। कॉलम्स को आप जब डिवाइड कर रहे हो तो ध्यान रखना डेटा की सिमिलैरिटी का, जिन्हें कंपेयर करना है उन्हें पास पास रख लो, जिनके बीच में कंपेरिजन पॉसिबल नहीं है उन आइटम्स को दूर दूर रख दो। प्लस टेबल आपकी बहुत ही ज्यादा सिंपल होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमिकल होनी चाहिए कि भाई ठीक ठाक स्पेस ले, बहुत ज्यादा स्पेस भी कंज्यूम ना करे, इतनी कम स्पेस भी ना ले कि भाई डेटा ही समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ हॉच पॉच हो रखा है। प्लस टेबल बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि देखने वाले को देखते ही चीजें समझ में आ जाए और मजा आए उसको पढ़ने में। तो समझ में आया क्या होता है, तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, फटाफट से पहले रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होता क्या है, इसकी क्या सूटेबिलिटी है, क्या ड्रॉबैक्स है। फिर हम लोग आए हमारे टेबुलर प्रेजेंटेशन पर, जिसके अंदर हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल देखा, जिसे पार्ट्स ऑफ टेबल भी बोलते हैं। फिर हम लोगों ने एक टेबल देख ली साथ साथ में, और बात करी कि एक अच्छी टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करी जाए, गाइडलाइंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गुड टेबल, यानी कि फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो पीछे वाला था पार्ट्स ऑफ अ टेबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आगे बात करते हैं काइंड्स ऑफ टेबल की, ध्यान से समझना। देखो काइंड्स ऑफ टेबल की बात करते हैं, अब हम अलग अलग तरह के टेबल्स डिस्कस करेंगे। तो टेबल्स को हम लोगों ने तीन कैटेगरीज के बेसिस पर क्लासिफाई करा है, अकॉर्डिंग टू पर्पस, एक है अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, और एक है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। क्या समझे, हम लोग टेबल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू पर्पस हम लोगों ने टेबल्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड करा है, एक होती है जनरल पर्पस टेबल और एक होती है स्पेशल पर्पस टेबल। क्या, अकॉर्डिंग टू पर्पस में एक आती है जनरल पर्पस टेबल और एक है स्पेशल पर्पस टेबल। अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, वन इज ओरिजिनल टेबल और सेकंड इज डिराइव्ड टेबल। और अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, एक है सिंपल टेबल जिसे हम वन वे टेबल भी बोलते हैं, और दूसरी है कॉम्प्लेक्स टेबल। और कॉम्प्लेक्स टेबल को फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड करा है, एक है डबल टेबल, एक है ट्रिबल टेबल और एक है मैनिफोल्ड टेबल। तो सबसे पहले तो ये याद रखना, सबसे पहले पर्पस के बेसिस पर
क्लासिफाई करा है। तो अकॉर्डिंग टू पर्पस दो तरह की टेबल होती है, एक होती है जनरल पर्पस टेबल और एक होती है स्पेसिफिक पर्पस टेबल। ध्यान से समझना, जनरल पर्पस टेबल इज दैट टेबल विच इज ऑफ जनरल यूज, इट डज नॉट सर्व एनी स्पेसिफिक पर्पस। भाई जनरल टेबल वो टेबल होती है जो जनरल यूज की है, कोई भी पर्सन इस टेबल को यूज कर सकता है, इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया, हर 10 साल के अंदर जनगणना होती है जिसके अंदर पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, उसके अंदर बर्थ रेट लिखी हुई आती है, डेथ रेट लिखी हुई आती है, लिखा हुआ आता है लिटरेसी रेट क्या है, कंट्री के अंदर कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, सारी चीजें होती है। तो दिस इज अ जनरल टेबल, कोई भी जाके इस टेबल को यूज कर सकता है, इस टेबल का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। और इसीलिए इन टेबल्स को डेटा बैंक भी बोलते हैं और रेफरेंस टेबल्स भी बोलते हैं। रेफरेंस टेबल्स क्यों? क्योंकि इन टेबल्स की सहायता से दूसरे लोग दूसरी टेबल्स बनाते हैं, कोई भी लोग इन टेबल्स को यूज कर सकते हैं अपने पर्पस के लिए इन टेबल्स को रेफरेंस मान के। तो इन टेबल्स को डेटा बैंक या फिर रेफरेंस टेबल्स भी बोलते हैं। एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया, हमारी जो सेंसस रिपोर्ट होती है उसके अंदर जितनी भी टेबल्स होती है, those tables are example of general purpose table, कि एक general purpose के लिए बनाई गई है, इनका कोई specific purpose नहीं होता। Second is specific purpose table. Specific purpose table is that table which is prepared for some specific purpose in mind. ऐसी table जो किसी specific purpose के लिए बनाई गई है, उस table को बोला जाता है specific purpose table. These tables are called summary tables. भाई इस table को देखकर आपने एक table बनाई। For example मैंने आपको बोला कि भाई आपके आसपास वाले एरिया के अंदर जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मुझे उसका रिकॉर्ड चाहिए, उस पे प्रोजेक्ट बना के लेकर आओ। तो आपने टेबल बनाई, भाई टू व्हीलर्स के इतने एक्सीडेंट्स हुए, फोर व्हीलर्स के इतने हुए, इसमें इतनी फीमेल्स थी, इतने मेल्स थे, इतने बच्चे थे। तो इस तरह से जब आप टेबल बना रहे हो तो वहां पर आपका एक स्पेसिफिक पर्पस है। पर्पस क्या है? कि हमें हमारा प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना है। इस तरह की टेबल को बोलते हैं स्पेसिफिक पर्पस टेबल। तो ये फर्स्ट समझ में आ गया, अकॉर्डिंग टू पर्पस देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेबल, जनरल पर्पस टेबल एंड स्पेसिफिक पर्पस टेबल। सेकंड बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। तो अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेबल्स, ओरिजिनल टेबल एंड डिराइव्ड टेबल। ध्यान से समझना, इट इज दैट टेबल इन विच डेटा आर प्रेजेंटेड इन द सेम मैनर इन विच दे आर कलेक्टेड। आपने डेटा कलेक्ट करा, आप गए, आपने देखा, अच्छा इतने नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हुए हैं, इतने टू व्हीलर्स, इतने फोर व्हीलर्स के, इतने फीमेल्स के, इतने मेल्स के, और देख देख के बस आपने लिख दिया। आपने कैसे लिख दिया? ये टू व्हीलर का एक्सीडेंट है, ये फोर व्हीलर के एक्सीडेंट है, इसमें इतनी फीमेल्स थी, इतने मेल्स थे, एज इट इज आप अपने डेटा को लिख दिया। आपने अपने डेटा को एज इट इज लिखा, जैसे आपने उसे कलेक्ट करा था। इट इज दैट टेबल इन विच डेटा प्रेजेंटेड इन द सेम मैनर इन विच दे आर कलेक्टेड। जैसे आपने अपने डेटा को कलेक्ट करा, आपने एज इट इज अपने डेटा को वैसे की वैसे प्रेजेंट कर दिया। तो कितनी ओरिजिनलिटी है यहाँ पर, थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करी। तो इस तरह की टेबल को बोलते हैं ओरिजिनल टेबल। क्या कहते हैं? ओरिजिनल टेबल। जबकि डिराइव टेबल कौन सी है? It is that table in which data are not presented in the manner in which they are collected. Derived table के अंदर हम लोगों ने जैसे data को collect करा है, हम वैसे की वैसे data को present नहीं करते। हम लोग पहले उस data से percentage निकालते हैं, ratios निकालते हैं, हम लोग mean निकालते हैं, हम median निकालते हैं, हम mode निकालते हैं, बहुत सारी चीजें निकालते हैं, और उन चीजों को table के अंदर present करते हैं। हमारे data को directly हम लोग table में present नहीं करते। क्या करते हैं? वहां पर हम रेशियोज निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, मीन मीडियन मोड, बहुत सारी चीजें निकालते हैं और उन्हें टेबल में प्रेजेंट करते हैं। तो दो पढ़ लिए हम लोगों ने, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी भी हो गया। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन तो एक है सिंपल, जिसे हम वन वे टेबल भी बोलते हैं, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स टेबल, और इसके तीन पार्ट्स भी हैं। तो बढ़ते आगे, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन सबसे पहले है सिंपल टेबल, जिसे हम वन वे टेबल भी बोलते हैं। A table which shows only one characteristic of data is called simple table. एक ऐसी टेबल जो आपके डेटा के सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक को दर्शा रहा है, जो आपके डेटा की एक ही क्वालिटी को दर्शा रहा है, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ एक ही चीज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करा है, इस तरह की टेबल को बोलते हैं वन वे टेबल या फिर सिंपल टेबल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोगों ने क्लास लिखी, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे, तो यहाँ पर हम लोगों ने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्लासिफाई करा है सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, कि नाइन्थ में इतने हैं, टेंथ में इतने हैं, 11th में इतने हैं, 12th में इतने हैं। तो यहां पर हम लोगों ने डेटा को सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर क्लासिफाई करा, और वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? उनकी क्लास के बेसिस पर हम लोगों ने डेटा को क्लासिफाई करा, यानी कि डिवाइड करा। दिस इज सिंपल टेबल। वही सेकंड आती है कॉम्प्लेक्स टेबल, अ टेबल व्हिच शोस मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा।
सेकेंड आती है कॉम्प्लेक्स टेबल. अ टेबल विच शोज मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डेटा इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टेबल. एक ऐसी टेबल जो डेटा के एक कैरेक्टरिस्टिक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शा रही है, इस तरह की टेबल को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स टेबल. ऊपर वाली टेबल के अंदर हम लोगों ने डेटा को क्लासिफाई करा सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर, उनकी क्लास के बेसिस पर, कि नाइन्थ में इतने, टेंथ में इतने, इलेवंथ में इतने, ट्वेल्थ में इतने हैं. बट हम जब डेटा को एक कैरेक्टरिस्टिक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं और अलग अलग क्वालिटीज के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, उसे बोला जाता है कॉम्प्लेक्स टेबल. और इसके अंदर भी हमारे पास में फर्दर तीन कैटेगरी है. एक है डबल, जिसे टू वे टेबल बोलते हैं. एक है ट्रिबल, यानी कि थ्री बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं. और एक है मैनीफोल्ड टेबल. तो सबसे पहले है डबल और टू वे टेबल, यानी कि यहां पर हम हमारे डेटा को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टू कैरेक्टरिस्टिक्स. तो यहां पर देखो, यहां पर क्लास है, स्टूडेंट्स हैं, बॉयज और गर्ल्स. तो यहां पर हम लोगों ने डेटा को दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर क्लासिफाई करा, एक तो उनके क्लास के बेसिस पर और बॉयज और गर्ल्स, यानी कि दूसरा उनके जेंडर के बेसिस पर. तो यहां पर दो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हो गए, एक उनकी क्लास और दूसरा क्या है, जेंडर है. तो दिस इज डबल या फिर टू वे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, दैट इज टू वे टेबल. सेकेंड आता है ट्रिबल टेबल. ट्रिबल मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, यहां पर हम हमारे डेटा को थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे. तो यहां पर ध्यान से देखो, मार्क्स लिखे हैं, ये है मेल्स, ये है फीमेल्स और ये है अर्बन रूरल, अर्बन रूरल. तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो डेटा को क्लासिफाई करा है एक तो मार्क्स के बेसिस पर. किसके बेसिस पर? मार्क्स के बेसिस पर, पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने डेटा को क्लासिफाई करा जेंडर के बेसिस पर, मेल्स और फीमेल्स. तो दूसरा हो गया जेंडर. और फिर मेल्स और फीमेल्स के अंदर भी हम लोगों ने दिखाया मेल्स में इतने अर्बन एरियाज वाले हैं, इतने रूरल वाले हैं. फीमेल्स में भी इतनी अर्बन वाली हैं, इतनी रूरल वाली हैं, यानी कि हैबिटेशन के बेसिस पर भी करा. हैबिटेशन मतलब वो कहां पर रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं. तो यहां पर हम लोगों ने हमारी टेबल के अंदर डेटा को क्लासिफाई करा तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, मार्क्स, जेंडर एंड हैबिटेशन. इसे बोलते हैं ट्रिबल टेबल, यानी कि थ्री वे टेबल. और लास्ट आता है मैनीफोल्ड टेबल. अ टेबल विच शोज मोर देन थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा. जब हम हमारे टेबल के अंदर डेटा को तीन से भी ज्यादा बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, तीन से भी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं. भाई वन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर कर रहे थे सिंगल टेबल, वन वे टेबल. टू पे कर रहे थे टू वे टेबल या फिर डबल टेबल. तीन पे कर रहे थे ट्रिबल टेबल. बट तीन से ज्यादा हो जाए, तो चार कैरेक्टरिस्टिक्स हो, पांच हो, छह हो, तब उसे हम लोग एक ही नाम देते हैं, दैट इज मैनीफोल्ड टेबल. अब ध्यान से देखो, यहां पर हम लोगों ने क्लास के बेसिस पर भी क्लासिफाई करा, यहां पर हम लोगों ने बॉयज लिख दिए, यहां पर गर्ल्स लिख दी, तो दूसरा जेंडर हो गया. फिर अर्बन रूरल लिख दिए हैबिटेशन के बेसिस पर, और उनके अंदर भी मैरिड और अनमैरिड लिख रहे हैं. तो यहां पर हमारे पास में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो गए, एक तो हमने क्लास के बेसिस पर करा ही, फिर दूसरा हम लोगों ने करा बॉयज और गर्ल्स यानी कि जेंडर के बेसिस पर, थर्ड हम लोगों ने कर दिया हैबिटेशन के बेसिस पर कि भाई रूरल एरिया में रहते हैं या अर्बन एरिया में रहते हैं, और उसके बाद में भी अगर काम नहीं खत्म नहीं हुआ तो हम लोगों ने उन्हें मैरिड और अनमैरिड के बेसिस पर भी कर दिया. तो यहां पर हम लोगों ने चार कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हमारे डेटा को क्लासिफाई करा, पांच छह सात भी हो सकते थे, तीन से ज्यादा हो गए, तो कौन सी कैटेगरी में गया, मैनीफोल्ड टेबल. तो आई होप यहां तक समझ में आया ये क्या देखा हम लोगों ने. ये हम लोगों ने देखा अकॉर्डिंग टू पर्पस जनरल पर्पस टेबल और स्पेशल पर्पस टेबल, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी ओरिजिनल टेबल एंड डिराइव्ड टेबल, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन सिंपल टेबल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल. और कॉम्प्लेक्स टेबल में आ गया डबल टेबल, ट्रिबल टेबल एंड मैनीफोल्ड टेबल. आगे बढ़ते हैं, आगे बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. अब भाई पीछे तो हम लोगों ने टेबल्स की बात करी थी, क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल, काइंड्स ऑफ टेबल, कंफ्यूज मत होना, वो क्या था, काइंड्स ऑफ टेबल. ये है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. तो जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं, डेटा के बेसिस पर टेबल्स बनाते हैं, तो एक होता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. क्या, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, नाम से ही समझ में आ रहा है यहां पर बात होगी क्वालिटी की. एक होता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, तो नाम से ही समझ में आ रहा है यहां पर बात होगी क्वांटिटी की. क्वांटिटी मतलब यहां पर नंबर्स की बात होगी. एक होता है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, तो टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम. और एक होता है स्पेशियल क्लासिफिकेशन, स्पेशियल का मतलब है लोकेशन. अभी वन बाय वन समझेंगे. तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, चार तरह का डेटा होता है.
क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्वांटिटी के बेसिस पर करा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, टाइम के बेसिस पर करा टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, और लोकेशन के बेसिस पर करा यानी कि प्लेस के बेसिस पर करा तो वो है स्पेशियल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। सबसे पहले है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। इट अकर्स व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम लोगों ने हमारे डेटा को क्वालिटी के बेसिस पर क्लासिफाई करा है, क्वालिटी मतलब वो अर्बन एरिया में रह रहा है या रूरल एरिया में रह रहा है, वो मैरिड है या अनमैरिड है, वो लड़का है या लड़की है, तो ये उनकी क्वालिटी है। जब हम क्वालिटी के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, इस तरह के क्लासिफिकेशन को बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, या फिर वो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। तो यहां पर हम लोगों ने डेटा को क्लासिफाई करा, एक तो क्लास के अंदर बताया और एक जेंडर के बेसिस पर करा, क्लास के बेसिस पर और जेंडर के बेसिस पर। ये दोनों ही चीजें क्या है, ये दोनों ही चीजें हैं क्वालिटी। तो इस तरह के डेटा को बोला जाता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। सेकेंड आता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। इट अकर्स व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिनोमिनन। जब हम हमारे डेटा को क्वांटिटी के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, क्वांटिटी मतलब नंबर्स के बेसिस पर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोगों ने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड करा उनके मार्क्स के बेसिस पर कि 0 से 10 मार्क्स आए 13 स्टूडेंट्स के, 10 से 20 मार्क्स आए 10 स्टूडेंट्स के, 20 से 30 मार्क्स आए 20 स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों को क्लासिफाई करा है उनके मार्क्स के बेसिस पर। ये क्या है, एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है। यहां पर ये हमें क्वांटिटी बता रही है, उनकी क्वालिटी नहीं बता रही कि वो गर्ल है या बॉय है, वो कितने ऑनेस्ट हैं, वो कौन से एरिया में रहते हैं, ये सारी क्वालिटीज वहां नहीं है। यहां पर क्या है, क्वांटिटी है, नंबर्स है, तो नंबर्स के बेसिस पर करा तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में हम लोग डेटा को क्लासिफाई करते हैं टाइम के बेसिस पर, और टाइम ही आधार होता है हमारे क्लासिफिकेशन का। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने दिखाया 2018 में इतनी सेल्स हुई, 19 में इतनी सेल्स हुई, 20 में इतनी सेल्स हुई, 21 में इतनी सेल्स हुई, ये तो टोटल है। तो यहां पर हम लोगों ने हमारी सेल्स को क्लासिफाई करा है किसके बेसिस पर, टाइम के बेसिस पर, 2018 में इतनी, 19 में इतनी, 20 में इतनी, 21 में इतनी। तो जब हम हमारे डेटा को टाइम के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं उसे बोला जाता है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। टी फॉर टाइम, टी फॉर टेम्पोरल याद रह जाएगा। लास्ट आता है स्पेशियल क्लासिफिकेशन। इट अकर्स व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस एंड लोकेशन। जब हम हमारे डेटा को प्लेस के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, लोकेशन के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं कि इंडिया के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हैं, यूएसए में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हैं, यूके में इतने हैं, जापान में इतने हैं, रशिया में इतने हैं, तो यहां पर हम लोगों ने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्लासिफाई करा अलग अलग कंट्रीज के बेसिस पर, यानी कि उनकी प्लेस के हिसाब से, उनकी लोकेशन के हिसाब से। इस तरह के क्लासिफिकेशन को बोला जाता है स्पेशियल क्लासिफिकेशन। आई होप चारों समझ में आ गए। वन इज क्वालिटेटिव, क्वालिटी के बेसिस पर। सेकंड इज क्वांटिटेटिव, नंबर्स के बेसिस पर। टेम्पोरल मतलब टाइम के बेसिस पर, स्पेशियल मतलब लोकेशन के बेसिस पर, प्लेस के बेसिस पर। लास्ट छोटा सा टॉपिक, मैरिट्स ऑफ टैबुलर प्रेजेंटेशन। ये जो टैबुलर प्रेजेंटेशन है इसके क्या क्या मैरिट्स हैं। तो भाई अगर आप किसी डेटा को टेबल्स के थ्रू प्रेजेंट करते हो तो पहली बात ही बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही ब्रीफ प्रेजेंटेशन होता है। ये इतना बड़ा पैराग्राफ था हमारा टेक्सुअल प्रेजेंटेशन के अंदर और इस बड़े से पैराग्राफ को मैंने सिर्फ टेबल्स बना के प्रेजेंट कर दिया। तो हम बड़े से डेटा को भी बहुत ही ब्रीफ फॉर्म में, बहुत ही छोटी सी फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका है डेटा को प्रेजेंट करने का। बहुत सारा जो डेटा है उसे भी हम लोग बहुत ही ब्रीफ यानी कि बहुत ही छोटे से तरीके से, बहुत ही कम स्पेस के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो याद हो गया सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन। सेकंड इज फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। ऑब्वियस ही बात है, जब डेटा को आपने कॉलम्स में और रोज में अरेंज कर दिया तो आप आराम से कॉलम्स के अंदर डेटा को कंपेयर कर सकते हो। कंपैरिजन यहां पर बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है क्योंकि हम डेटा को रोज और कॉलम्स में अरेंज करते हैं। थर्ड इज इजी एनालिसिस। इट इज वेरी इजी टू ड्रॉ कंक्लूजंस फ्रॉम टेबुलर प्रेजेंटेशन। आपने मुझे प्रोजेक्ट बना के दिया, बोला मैम एक तो ये रीड करो, एक बच्चे ने ऐसे दिया और एक बच्चे ने ऐसे दिया, तो बताओ मुझे कौन सा अच्छा लगेगा। ऑब्वियसली बात है मुझे टेबल वाला अच्छा लगेगा क्योंकि यहां पर मैं इजीली कंक्लूजंस निकाल सकती हूं, इसे मैं बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकती हूं। एनालाइज मतलब इस टेबल को मैं देखते ही कंक्लूजंस निकाल सकती हूं, मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकाल सकती हूं। तो जब हम डेटा को टेबल्स के थ्रू प्रेजेंट करते हैं तो कंक्लूजंस निकालना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। फोर्थ इज हाईलाइट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। इट बिकम्स वेरी इजी टू रिमेंबर द स्टैटिस्टिकल डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल एज टेबल गिव्स स्पेशल एम्फेसिस टू आइटम्स व्हिच आर मोर इम्पॉर्टेंट। देखो आपको अगर कोई चीज प्रिपेयर करनी है और मैंने एक तो आपको नोट्स इस फॉर्म में दिए और एक मैंने आपको नोट्स टेबल बना के दिए, तो ऑब्वियसली बात है जो टेक्सुअल फॉर्म है उसमें आपको ज्यादा मजा नहीं आएगा, वो चीज आपको ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहेगी। बट अगर मैंने आपको टेबल्स में एक्सप्लेन करा है तो वो चीज आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी और टेबल्स की हेल्प से हम लोग स्पेशल
स्पेशल इम्फेसिस दे सकते हैं, जो आइटम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें हम लेफ्ट साइड वाले कॉलम्स में लिख सकते हैं, टॉप रोज के अंदर लिख सकते हैं। और जब भी हमें लग रहा है यार इस टेक्सुअल डेटा के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हम लोग टेबल्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वहां पर वो चीज और ज्यादा अच्छी हो जाती है कि भाई टेबल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को शो करती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से हाईलाइट हो जाते हैं। इकोनॉमिकल तो है ही यार, इकोनॉमिकल इसलिए है, एक तो पहली बात तो स्पेस बचती है, टेक्स्ट बहुत ज्यादा स्पेस लेता है, टेबल उतनी स्पेस नहीं लेती, इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, आपका भी टाइम बचेगा और पढ़ने वाले का भी टाइम बचेगा। जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो इतना सारा आपको लिखना नहीं पड़ेगा, टेबल्स के थ्रू एक्सप्रेस करोगे, प्लस अगर मैं पढ़ूंगी तो मुझे पढ़ने में भी मेरा भी टाइम बचेगा, तो इट इज वेरी इकोनॉमिकल क्योंकि यहाँ पर स्पेस भी बच रही है और हमारा टाइम भी सेव हो रहा है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कंप्लीट। आज हम लोगों ने दो प्रेजेंटेशन डिस्कस कर लिए, वन इज टेक्सुअल प्रेजेंटेशन एंड सेकेंड इज टैबुलर प्रेजेंटेशन, जिसे टैबुलेशन भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अगेन हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, बट दैट वुड बी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ तक का अच्छे से पढ़ के रखना है, नोट्स बनाते जाने हैं, और अगर कोई चैप्टर पढ़ना है तो मैंने आपको बता दिया स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो की सेपरेट प्लेलिस्ट है, सारे चैप्टर सीक्वेंस में अरेंज है, आराम से पढ़ लो, पूरी तैयारी हो जाएगी। ऑल दो पिछले साल वाले नोट्स हैं, वो पिछले साल वाले वीडियोज हैं, बट इतने डिटेल्ड हैं कि आप किसी भी सेशन के लिए उन वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। तो अच्छे से पढ़ते रहो, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। बाय फॉर नाउ।